क्वेश्चन नंबर 7 है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। यानी इस क्वेश्चन में एक जोकर्स कैप है जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 24 सेंटीमीटर, और वो जो जोकर्स कैप है वो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, और हमें ये पता लगाना है कि इस तरह की 10 जोकर्स कैप को बनाने में कितने शीट की जरूरत होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये वो जोकर्स कैप है, अब यहाँ पर इसकी हाइट दी गई है h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस भी दी गई है, बेस रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेकिन स्लैंट हाइट इसकी नहीं दी गई है, तो हम स्लैंट हाइट को l मान लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर l इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां पर h और r की हम वैल्यूज रख देंगे तो l की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और l की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर, therefore slant height l is equal to 25 सेंटीमीटर। अब तो बहुत ही इजी है, इस जोकर्स कैप में कितनी शीट लगेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस कैप का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। नाउ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप इज इक्वल टू पाई आर एल। अब यहां पर देखिए पाई की जगह पे आ जाएगा 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी 7, और एल की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली दैट इज 25। अब यहां पर 7 और 7 आपस में कट जाएंगे और यहां पर वैल्यू आ जाएगी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने शीट की जरूरत होगी एक कैप के लिए, therefore sheet required to make 10 caps is equal to 10 into 550 and that is equal to 5500 centimeter square। यही हमारा आंसर हो जाएगा।